ओम शांति। 19 अगस्त 71 अव्यक्तवाणी। सबसे सूक्ष्म बंधन बुद्धि का अभिमान। योग युक्त और बंधन मुक्त बने हो। जितना जितना योग युक्त उतना ही सर्व बंधन मुक्त बनते जाते हैं। तो योग युक्त की निशानी है ही बंधन मुक्त होना, अपने सर्व बंधनों को जानते होना कि किस किस प्रकार के बंधन है जो योग युक्त होने में रुकावट डालते हैं। जैसे सर्व दुखों की लिस्ट निकालते थे, वैसे भिन्न भिन्न बंधनों की लिस्ट निकालो। उस लिस्ट को सामने रखते हुए चेक करो कि कितना बंधनों से मुक्त हुए हैं और कितने बंधन अभी तक रहे हुए हैं। इससे अपने संपूर्ण योग युक्त अर्थात संपूर्ण स्टेज को परख सकते हो कि कितना संपूर्ण स्टेज के नज़दीक पहुंच पाए हैं। बंधनों की लिस्ट सामने लाओ। कितने प्रकार के बंधन होंगे, इनकी लिस्ट निकलेगी तो जाल माफिक दिखाई देगी। कितनी महीन तारों की जाल बनाते हैं, तो अब जज करो कि कितने बंधन रह गए हैं और कौन कौन से रह गए हैं। कोई बड़े बड़े बंधन हैं वा छोटे छोटे बंधन हैं। ज़्यादा मेहनत किन बंधनों को चुप्त करने में लगती है। सभी से कड़ा बंधन कौन सा है? देह अभिमान। यह तो सभी बंधनों का फाउंडेशन है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सभी से कड़ा बंधन कौन सा है? लोकलाज तो बहुत छोटी बात है, यह तो फर्स्ट स्टेप है। सभी से बढ़ाते बड़ा अंतिम बंधन है श्रीमत के साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना, अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना, जिसको कहेंगे ज्ञान अभिमान अर्थात बुद्धि का अभिमान। यह सभी सूक्ष्म और बड़ा बंधन है। इस बंधन से क्रॉस किया तो मानो सभी से बड़े ते बड़ा जंप दिया। कोई भी बात में अगर कोई मधुर शब्दों में भी कमजोरी का इशारा दे और उसी समय कोई संस्कार स्वभाव व सर्विस के लिए बुराई आकर करते हैं, तो दोनों ही बातें सामने रखते हुए सोचो कि जरा भी वृत्ति में वा दृष्टि में वा सूरत में फर्क आता है? जरा भी फर्क नहीं आए, जरा भी हिम्मत उल्लास में अंतर नहीं आए, इसको कहा जाता है इस बंधन को क्रॉस करना। अगर मुख से न बोलो लेकिन सुनी हुई बात का व्यर्थ संकल्प भी चला, तो इसको कहेंगे बड़े ते बड़ा बंधन। जो गायन है, निंदा स्तुति हार जीत महिमा व ग्लानी से समान, अर्थात बुद्धि में नॉलेज रहेगी कि यह हार है, यह जीत है, यह महिमा है, यह ग्लानी है, लेकिन एकरस अवस्था व स्थिति से डगमग न हो, इसको कहा जाता है समानता। नॉलेज होते हुए भी डगमग नहीं होना, यह है विजय। तो इस कड़े बंधन को क्रॉस कर लिया अर्थात संपूर्ण फरिश्ता बन गया। इसके लिए मुख्य प्रयत्न कौन सा है? यह अवस्था कैसे रखे जो इस बंधन को भी क्रॉस कर ले? ज्ञान अभिमान को कैसे क्रॉस करे? इसका पुरुषार्थ क्या है? आप सभी ने जो भी बातें सुनाई है वह भी अटेंशन में रखने की है, लेकिन साथ साथ इस कड़े बंधन को क्रॉस करने के लिए सदैव यह बातें याद रहे कि हम कल्याणकारी बाप की संतान हैं। जो भी देखते हैं सुनते हैं उनमें अकल्याण का रूप होते हुए भी अपनी कल्याण की बात को निकालना है, भले रूप अकल्याण का हार व ग्लानि का हो, क्योंकि स्थिति को डगमग करने के कारण यह तीनों ही होते हैं। तो
रूप भले यह दिखाई दे, लेकिन उस अकल्याण के रूप को कल्याणकारी के रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति वाग्लानी को भी उन्नति का रूप समझ, धारण करने की शक्ति वा हार से भी आगे के लिए हजार गुना विजयी बनने की हिम्मत, उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति अगर अपने पास है तो कभी भी सूरत और सीरत में उनका असर नहीं पड़ेगा। रहस्य क्या हुआ? कोई भी बात को व समस्या को ट्रांसफर कर ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बनाना है, अथवा अपकारी पर भी उपकारी बनना है। जैसे संस्कारों की समानता के कारण कोई सखी बन जाती है, ऐसे निंदा करने वालों को भी उस स्नेह और सहयोग की दृष्टि से देखना है। संस्कारों के समानता वाली सखी और ग्लानी करने वाली दोनों के लिए अंदर से स्नेह और सहयोग में अंतर न हो, इसको कहा जाता है अपकारी पर उपकार की दृष्टि अथवा विश्व कल्याणकारी बनना। ऐसी स्थिति अब बन जाती है तो समझो संपूर्णता के समीप है। ऐसे नहीं, जिनके संस्कार मिलेंगे उनको साथी बनाएंगे, दूसरों से किनारा कर लेंगे। भले कड़े संस्कार वाली हो, उनको भी अपने शुभचिंतक स्थिति के आधार से ट्रांसफर कर समीप लाओ। जब कोई होपलेस केस को ठीक करते हैं तब ही तो नाम बाला होता है ना। ठीक को ठीक करना वा ठीक से ठीक होकर चलना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपनी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति से ऐसे ऐसे को भी बदल कर दिखाना। देखो होम्योपैथिक की इतनी छोटी छोटी गोलियाँ कितने बड़े रोग खत्म कर सकती है। तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान अपने वृत्ति और दृष्टि से किसके भी कड़े संस्कार के रोग को खत्म नहीं कर सकते? अगर कोई के संस्कारों को पलटा नहीं सकते व खत्म कर नहीं सकते हैं, तो समझो मुझ मास्टर रचयिता से तो रचना की शक्ति ज़्यादा काम कर रही है। जैसे मिसाल बताया, छोटी सी गोलियाँ रोग को ख़त्म कर सकती है। वह दवाई यह नहीं कहती कि रोग को कैसे मिटाए। तो क्या आपकी रचना में शक्ति है और आप मास्टर रचयिता में नहीं? सदैव यह लक्ष्य रखो कि ट्रांसफ़र होना है और ट्रांसफ़र करना है। ऐसे नहीं कहना कि यह ट्रांसफ़र हो तो मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँ। नहीं, मुझे होना है और मुझे ही करना है। जो ऐसे हिम्मत रखने वाले बनते हैं वही विश्व के महाराजन बन सकते हैं। तो विश्व महाराजन बनना है तो जो दैवी परिवार की आत्माएं भविष्य के विश्व में आने वाली है, अर्थात यह छोटा सा परिवार जो विश्व राज्य के अधिकारी बनने वाले हैं, इन सभी आत्माओं के ऊपर अब से ही स्नेह का राज्य करना है, ऑर्डर नहीं चलाना है, सभी से विश्व महाराजन नहीं बन जाना है। अभी तो विश्व सेवाधारी बनना है, स्नेह देना ही भविष्य के लिए जमा करना है। यह भी देखना है कि अपने भविष्य के खाते में यह स्नेह कितना जमा किया है। ज्ञान देना सरल है, लेकिन विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसके लिए स्नेह देना अर्थात सहयोग देना है। जहाँ स्नेह होगा वहाँ सहयोग अवश्य होगा। अगर यह हाई जंप दे दिया तो सभी बातों में श्रेष्ठ सहज ही बन जाएंगे। अच्छा, अब भट्टी वालों ने अपने को ट्रांसफ़र किया, जितना ट्रांसफ़र किया होगा उतना ही हरेक की सूरत ट्रांसलाइट के चित्र के मिसल दिखाई देगी। ट्रांसलाइट का चित्र दूर से ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे सभी बातों में स्पष्ट और श्रेष्ठ बने हो,
बनेंगे, कब तक बनेंगे, 5 वर्ष तक, कब तक का वायदा किया है। इतनी शक्ति अपने में भरी जो कैसी भी समस्याएं आए, कैसी भी बातें न बनने वाली भी बन जाए तो भी अचल अडोल एकरस रहेंगे। ऐसी अपने में शक्ति भरी है। ऐसे नहीं कहना कि यह तो हमको पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है। नई बात हुई इसलिए फेल हो गया, यह नहीं कहना। जब भट्टी करके जाते हो तो जैसे अपने में नवीनता लाते हो, तो माया भी परीक्षा लेने के लिए नई नई बातें सामने लाएगी। इसलिए अच्छी तरह से मास्टर नॉलेजफुल मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर जा रहे हो तो दूर से ही माया के वार को पहचान कर खत्म कर दो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। क्या क्यों की भाषा खत्म की, क्या करे कैसे करे यह खत्म। सिर्फ 3 मास का पेपर नहीं, अभी तो अंत तक का वायदा करना है। यह तो गारंटेड माल हो गया ना। अपनी यथाशक्ति हरेक ने जो भी प्रयत्न किया वह बहुत अच्छा किया। अब अच्छे से अच्छा बनकर दिखाना। जैसे यह नशा है वैसे ही प्रवृत्ति में रहते हुए भी इस नशे को कायम रखना है। इस ग्रुप का छाप क्या रहा, कोई आपको बदल न सके लेकिन आप सभी को बदल कर दिखाना। कोई परिस्थिति वा कोई वायुमंडल हमको नहीं बदले लेकिन हम परिस्थितियों को, वायुमंडल को, वृत्तियों को, संस्कारों को बदल कर दिखाए। यह पक्का छाप लगाना है। ट्रेडमार्क भट्टी का अविनाशी लगा कर जाना है। अपना ट्रेडमार्क नहीं भूलना। अगर भट्टी से धारणाओं की स्मृति साथ साथ रखेंगे तो सफलता सदैव साथ रहेगी। अच्छा, ओम शांति।